जैसा कि आप जानते हो कि चैम्बर के इलेक्शन चल रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्शन है ये, और कुछ देर के बाद रिजल्ट भी आ जाएंगे, लगभग 10, 10:30, 11 बज जाएंगे। कुछ जमेलों के बीच, ऊंच नीच के बीच ये वोटिंग जो है कंप्लीट हो गई है, अब काउंटिंग अंदर चल रही है। मेरे साथ दीपक गुप्ता साहब हैं, व्यापारी वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं वेयर हाउस से। दीपक जी, ये आज का दिन बड़ा ऊपर नीचे हुआ, कुछ उलझने भी पैदा हुई, इस पूरी प्रक्रिया को किस तरह से देखते हैं आप? मैं तो पहले मुबारकबाद दूंगा इलेक्शन टीम को, जिन्होंने इलेक्शन करवाया, बड़े एक अच्छे माहौल में इलेक्शन हुआ है। तो मैं आशा करता हूं जो भी जीत के नई टीम आएगी तो वो हमारे व्यापारियों को मसले जो हल करने की कोशिश करेगी और सबको जो है साथ लेके चले। आपने अपना वोट नेचुरली कास्ट कर दिया, आपने कास्ट कर दिया, कितना इंतज़ार, काउंटिंग अभी शुरू हुई है? बस मेरे को लगता है 2-3 घंटों के अंदर जो है रिजल्ट आ जाएगा, और पॉजिटिवली 2818 मेंबर है, और जो ज्यादा वोट लेगा वो जीतेगा, वो जीत जाएगा। यानी 2-3 घंटे का इंतजार, सब कुछ स्मूथ चल रहा है? बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। बीच में नहीं, अंदर जो है पुलिस का काफ़ी इंतजाम है, सब लोग जो है प्रशासन और जो इलेक्शन टीम इलेक्शन करवा रहे हैं उनका बड़ा अच्छा इंतजाम रहा। आपको लगता है सब फेयर हुआ है? सब फेयर हुआ है। और ऐसी बातें आई हैं सामने? नहीं, वो ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मुझे लगता है सब फेयर हुआ है, और मैं जीतने वाली की टीम को फिर मुबारकबाद दे दूंगा। पहले से मुबारकबाद दे दी आपने, और आप चाहते हो मसले हल होने चाहिए, जीते जीती कोई भी जो भी आए, मैं समझता हूँ वो रिप्रेजेंटेटिव आए और जो व्यापारियों के और आम जनता के मसले हैं सरकार तक पहुँचाए, उसको हल करवाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ MLA कोई नहीं है और मंत्री कोई नहीं है, उम्मीदी जो है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे रहती है। तो मैं समझता हूँ जो भी आए और उनके मसले हल करें। शुक्रिया दीपक जी हमसे बात करने के लिए। ये सब लोग आप जो देख रहे हो यहाँ पे, ये सब व्यापारी वर्ग के लोग हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि किस वक्त वो रिजल्ट सामने आ जाएगा। और यहाँ से बिल्कुल अंदर ये लाइव जो काउंटिंग है, ये भी व्यापारी वर्ग यहाँ पे देख रहा है। अब कुछ चंद घंटों में ये साफ हो जाएगा कि अरुण गुप्ता साहब कंटिन्यू करते हैं या फिर राकेश गुप्ता जी इसको, जो पिछले पहले रहे हैं इस सब के हेड, वो ही इसको हेड करेंगे। ये आने वाले 2-3 घंटे जो हैं वो डिसाइड करेंगे, ये लाइव काउंटिंग। और जाहिर सी बात है कि मुझे यहाँ से, जहाँ तक मैं यहाँ पे आके देख रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, ये व्यापारी वर्ग यहाँ पे है, सब कुछ स्मूथली कंडक्ट हो रहा है। उम्मीद करते हैं जो भी जीत कर सामने आए इन व्यापारी वर्ग की आवाज़ बने, इनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाए, शायद इसीलिए ये इलेक्शन जो है कंडक्ट किए जाते हैं। 3 घंटे का इंतज़ार, लगभग 10, 10:30 तो बच जाएंगे, उसके बाद आंकड़े साफ़ हो जाएंगे, चेहरे साफ़ हो जाएंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।